गए विकास नगर, और विकास नगर में हम आए हैं श्री श्री शरणधाम आश्रम। ये बहुत मतलब फेमस मंदिर है यहाँ का, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं शूट करने के लिए। और यहाँ से जो है हमारा चक्राता पड़ता है, 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, बहुत मस्त नज़ारा है, पीछे नदी है, बट इस टाइम पानी नहीं चल रहा है तो उस साइड हम नहीं जाएंगे। अब हम लेके जाते हैं मंदिर के, तो चलिए शुरू करते हैं। का नज़ारा आपको दिखाएंगे, बहुत ही मस्त नज़ारा है अंदर का। मतलब शनिदेव जी की इतनी बड़ी मूर्ति है ना यहाँ पे, वो मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी है, पहली बार देखा है यहाँ पे मैंने, तो आपको भी दिखाएंगे अभी आगे। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और जो है शनिदेव जी की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति हमने आज तक नहीं देखी, मतलब मैंने तो नहीं देखी है, शायद से आप लोगों ने देखी हो। अगर आपको दिखाते हैं मूर्ति, बहुत विशाल मूर्ति है यार, मतलब मैंने पहली बार देखा है। इधर भी एक मूर्ति है, मुझे इनका नाम नहीं पता है, और इधर हनुमान जी हमारे, जय बजरंगबली। तो गाइस आपको और भी अच्छे तरीके से दिखाएंगे पास से ये नज़ारा, आगे भी थोड़ी देर में दिखा दें, वीडियो शूट करता हूँ उसके लिए भी।
सुंदर जगह है यार। देख पूरी जगह हरियाली है, मंदिर है, शांति का माहौल है। मतलब एक अलौकिक शक्ति सा है यहाँ पे। पूरी तरफ ग्रीनरी, और ग्रीनरी से देख के ही हमें मतलब जो है शांति मिल जाती है। इच्छापूर्ति हवन कुंड, यहाँ पे जब भी हवन होता है मतलब लोग इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं अपना। और यहाँ की जो राख होती है भगवत के रूप में लोग वहाँ घर ले जाते हैं, अपने टीके के तरह इस्तेमाल करते हैं उसको। आप लोगों को पता ही है हम जो है विकास नगर में आ रखे हैं। विकास नगर में हमारी ये मंदिर है श्री श्री श्रीराम आश्रम। और यहाँ से मतलब ऐसी ये 30-35 किलोमीटर चक्राता पड़ता है हमारा। और चक्राता में जो है ना सर्दियों में दिसंबर लास्ट में इतनी खतरनाक वाली बर्फबारी पड़ती है ना, मज़ा आ जाता है। मैं आया था पिछले साल, बट उस टाइम तक मैं ब्लॉग नहीं शूट करता था, तो उस टाइम हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। गाइस अब निकल चुके हैं हम घर के लिए, देहरादून पहुंचने वाले हैं हम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।